शर्त लगाती हूँ तुम्हारे घर पर डॉगी की आइसक्रीम तो नहीं होती होगी ना रची। बाबा रे, तुम्हारी बैंक में तो करीबन 10 लाख डॉलर होंगे, क्या तुम्हें इनके चोरी हो जाने का डर नहीं रीची? बिल्कुल नहीं, हमारी सुरक्षा का प्रबंध अव्वल दर्जे का है, इस एस्टेट में चोरी तो हो ही नहीं सकती। ओ अच्छा, मैंने इन चोरों के ऐलान के बारे में पढ़ा है, हर एक में कोई ना कोई कमी होती ही है। मेरी बात सुनो रेची बैंडो, अगर रिची कहता है उसके घर में चोर नहीं घुस सकते तो नहीं घुस सकते। हाँ हाँ हाँ, पर सिर्फ तब तक जब तक कोई चालाक चोर उसमें नहीं घुस जाता। बाय बाय दोस्तों, मैं अपनी अच्छी वाली आइसक्रीम खाने के लिए मेरे घर जा रहा हूँ। जल्दी ही पता चल जाएगा कि ये घर चोरों से कितना सुरक्षित है। प्रोफेसर कीन बीन के यंत्र मुझे रिची के सुरक्षा प्रबंधों को पार करने में मदद करेंगे। अब रिची की बैंक का पैसा लूट लिया जाए। अब कल मैं इसे वापस लाऊंगा और ग्लोरिया के सामने नीचा दिखाऊंगा। आकर मुझे पकड़ो चोर पकड़ने वालों। चलो जरा देखते हैं तुम कीनबीन की सेफ्टी वेव्स पार कर सकते हो या नहीं। ये क्या लगता है, एस्टेट में कोई चोर घुसाया है। चलो तुम हमारे चोरों को पकड़ने वाले हाथों का कमाल देखो। बाबा अरे, रेजी सही था, किसी चालाक चोर ने तुम्हारे सुरक्षा प्रबंध को तोड़ दिया। पर इतना चालाक नहीं कि हमारे भागते हुए चोरों को पकड़ने के प्रबंध से बच जाए। चलो उसे ढूंढते हैं। अरे नहीं, मेरी तो शामत आ गई। अरे रिची, तुम्हारी इससे तो हजारों मील चौड़ी है, हम उस चोर को कैसे ढूंढ पाएंगे? वो रहा वहाँ, उसका पीछा करो। वो रहा, वो मेरे फुटबॉल के मैदान की ओर जा रहा है। वो तो भाग रहा है, तुम उसे कैसे रोकोगे? उसे ये बताकर कि मैं फुटबॉल कैसे खेलता हूँ, वो भी अकेला मेरी रोबोट फुटबॉल टीम के साथ। बचाओ बचाओ, ये ठीक नहीं है, एक के खिलाफ 11। हमने उसे पकड़ लिया, अब चलो उसे सबक सिखाएं। अरे नहीं भाई, डॉलर ने तो उसे भाग जाने दिया। रिची, अब हम उसे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। इतनी जल्दी फैसला मत करो, हमें उसे सिर्फ ललचाकर मेरे बाथरूम तक ले जाना है। तुम्हारा बाथरूम? पर ऐसा क्यों? तुम जल्दी देखोगी कि ऐसा क्यों।